जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां आपको यहां पे लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका आपको नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोज होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकोगे। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे DLED 2017 सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में, कब हो सकता है, कब होने की चांस है, कब इसका कार्यक्रम जारी किया जाएगा, ये पूरी न्यूज़ आई है उसको देखेंगे। उसके बाद BTC 2015 रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नई अपडेट है 68,500 की जो CBI जांच होनी थी उसका अपडेट है। उसके बाद टेट अपर प्राइमरी का रिजल्ट आ गया उसको देखने वाले हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखना छोड़ गया, तो यूपी पुलिस की एक नई नोटिफिकेशन आई है उसको भी देखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। तो ये देखिए, ये है आपका BTC 2015 चौथे सेमेस्टर का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मंगलवार को BTC 2015 चौथे सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया है। 69,000 भर्ती 2019 में शामिल हो सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी परिणाम में BTC 2015 चौथे सेमेस्टर में परीक्षा देने वाले 74,357 परीक्षार्थियों में से मात्र 49,658 पास हैं एवं 24,457 फेल हो गए हैं। BTC 2014 चौथे सेमेस्टर आंशिक में 1,083 में 808 पास हुए और 266 फेल हो गए हैं। BTC 2014 चौथे सेमेस्टर आंशिक अवशेष में पंजीकृत 162 परीक्षार्थियों में 66 पास एवं 85 फेल हो गए हैं। तो देखिए, कोई मामूली बच्चे फेल नहीं है। 24,457 जो आपका 15 बैच था उसमें से 24,000 बच्चे, लगभग 2,400 बच्चे फेल हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या है, कैसे हुए, क्या हुआ, ये तो लगभग पूरा के पूरा भर्ती से बाहर हो गए हैं 24,025, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है, क्या होगा आगे पता नहीं। ये देखिए नई न्यूज़ है सिपाही भर्ती की, ठीक है। सिपाही भर्ती अंतिम परिणाम से पहले भर्ती बोर्ड जारी करेगा एक और कट ऑफ, तो जो लास्ट रिजल्ट होगा उसके पहले एक और कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो दौड़ में फेल हो गए 25,000 से अधिक अभ्यर्थी, तो 62,000 इन्होंने बुलाया था और कम से कम 25-30,000 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं दौड़ में। तो इसलिए इनकी वजह से जो पदे हैं वो रिक्त हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड कट ऑफ बुलाया जा रहा है। तो सिपाही भर्ती 2018 के दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक और कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। भर्ती बोर्ड को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भर्ती के लिए निर्धारित पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों में से आधे से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में पिछड़ गए। ऐसे में भर्ती बोर्ड जल्द ही कट ऑफ अंक कम करते हुए कुछ और अभ्यर्थियों को बुलाएगा। तो आप खुश हो जाइए और अपनी तैयारी, दौड़ की तैयारी बनाए रखिए। कभी भी आपका कॉल लेटर आ सकता है, आपको जाना पड़ सकता है, तो दौड़ में सब पीछे हुए हैं, तो आप दौड़ अपनी बनाए रखिए, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सहायक शिक्षक भर्ती की CBI जांच पर रोक लग गई है, ठीक है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों की पीठ ने 1 नवंबर को आदेश पर लगाई रोक। तो आपको पता है कि 1 नवंबर को यह आया था कि इस पर CBI जांच होनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों की पीठ ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की CBI जांच पर रोक लगा दी है। भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर एकल पीठ ने 1 नवंबर को भर्ती पर CBI जांच का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की थी। खंडपीठ इस याचिका पर 21 दिसंबर को अपना निर्णय सुना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ था, उत्तर पुस्तिका बदलने या सही जवाबों पर शून्य अंक जैसे मामले सामने आए थे। एकल पीठ ने कहा था कि मजबूरी में दे रहे हैं CBI जांच का आदेश, ठीक है। तो इसको अभी रोक दिया गया है और 21 दिसंबर को रिजल्ट आ सकता है जो भी होना है इसका। बाकी यूपी टेट उच्च प्राथमिक का परिणाम जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया है। पंजीकृत कुल 6,12,930 परीक्षार्थियों में से कुल 5,69,515 शामिल हुए। परीक्षा में कुल 1,88,646 परीक्षार्थी पास हुए, लगभग 33% बच्चे पास हुए। तो देखिए 33% का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, आपको पता है कि 33% प्राइमरी में भी पास हुए, 33% यहाँ पे भी पास हुए हैं और लगभग 33% उसमें फेल भी हुए हैं। आज BTC की 15 परीक्षा में उसमें 33% लगभग बच्चे फेल भी हुए। तो देखिए 33% का बड़ा क्रेज चल रहा है इस समय, ठीक है। लास्ट में मैं बता देता हूँ आपको जो जानना था DLED के लिए, ठीक है। DLED के लिए भी देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, ये पूरा मार्क है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, इसी बीच DLED 2017 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारियाँ चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 22 जनवरी को होगा परिणाम आपका लिखित, और इसी बीच DLED 2017 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर के अंत तक DLED परीक्षा कार्यक्रम भी जारी होने की उम्मीद है।
दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद लगातार तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा करा दी जाएगी। तो देखिए, आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम लेट हो गया है और थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो इन्होंने इनका कहना है कि दूसरे के बाद तीसरे का भी हम कुछ अंतराल में करा लिया जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट थी। बाकी आप दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।